ना कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी क्या? सारी रात करवटें बदल रही थी। हाँ दीपक, पता नहीं दो तीन दिनों से ऐसा हो रहा है। चलो तुम ना सोचती बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तुमने नाश्ता बहुत मस्त बनाया है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। अच्छा चलो, तुम्हारी टिफिन भी रेडी है। और हाँ, मेरा ऑफिस का टाइम भी तो हो गया है, चलो मैं निकलता हूँ। और हाँ, वक्त पे लंच कर लेना और टाइम मिले तो मुझे फोन कर देना। होना, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। मुझे कल सुबह ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना होगा। क्या दीपक, फिर से? अभी तो तुम 8 दिन पहले बाहर से आए हो। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे अलावा बाहर जाने के लिए और कोई नहीं है। चलो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे बॉस मेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं करते और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। दीपक जरा मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं यहाँ कितनी अकेली हो जाती हूँ। प्लीज ये आखिरी बार है, मेरा प्रमोशन भी तो हो सकता है और वैसे भी मैं ये हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी चीज की कमी ना हो। मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, कल सुबह कितने बजे जाना है? मुझे कल सुबह 7 बजे जाना होगा। प्लीज तुम नाराज मत होना। लेकिन 3 दिन में वापस आ जाना, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। अब चलो सोने चलते हैं, मुझे कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलो सारी तैयारी हो गई ना, मुझे थोड़ी देर में जाना होगा। दीपक जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। जानो सिर्फ 3 दिन की तो बात है, 3 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। चलो अब मैं चलता हूं, बाय बाय। हेलो राज, कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, देर मत लगाना। ओके राज, आओ। जान कैसे हो? आज इतनी सुबह सुबह मुझे बुला लिया, लगता है तुम्हारे पति देव बाहर गए, आज तो रास्ता साफ होगा। सिर्फ आज ही नहीं, अगले 3 दिन तक। दीपक 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हुए, तो आज से लेके 3 दिन तक सिर्फ मैं और तुम और मैं, नो टेंशन, ओनली एंजॉय। ओके जान, कल फिर मिलते हैं, कॉल कर देना। ठीक है। अरे रचना बहन, आप और काजल तू भी,
और ऐश्वर्या भी, सरप्राइज पे सरप्राइज। अरे नंदिता ने भी इन्हीं पे सब पूछेगी क्या? ओ सॉरी सॉरी, आइए आइए। हाय मोना, कैसी है? मैं एकदम मजे में। अरे ये तो बताओ, तुम सब यहाँ पे कैसे आज? अरे वो हम लोग यहाँ शादी में आए थे तो सोचा तुझे मिलते चले। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। अरे ऐश्वर्या कितनी बड़ी हो गई है, कैसी हो बेटा? आंटी मैं हमेशा मेंटेन नहीं रहती। अरे मैं तो भूल ही गई, ये तो बताओ क्या लोगे, चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक? अरे नहीं पापा कुछ नहीं, बस पानी पिला। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। बस जाना है? हाँ अगली बार टाइम लेके आएंगे, अभी निकलते हैं। ओके बाय। अरे दीपक आ गए आप? हाँ। आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ मैं कल ही आने वाला था, लेकिन जिस काम से गया था वो काम खत्म हो गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूँ। राज वैसे तुम यहाँ कैसे? राज को मैंने ही बुलाया था, वो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा राज को बुला लूं। अब तक का मोबाइल ठीक हो गया? चलो तो मैं चलता। किस सोच में पड़ गए दीपक? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम मेरे लिए कप चाय बना दोगी? हाँ चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ। मोना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय। बाय। मोना ये सब क्या चल रहा है? नहीं दीपक तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे क्या अंधा समझ रखा है? और कब से चल रहा है ये सब? और राज कमीने तुझे अपनी दोस्त की बीवी के साथ ऐसा करते हो, शर्म नहीं आई? देखो दीपक इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। पूछो अपनी बीवी से, उसने मुझे खुद यहाँ पे बुलाया था। वो तो मैं उससे पूछूंगा ही, लेकिन कमीने उससे पहले मैं तेरी खबर लूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा? राज प्लीज तुम यहां से चले जाओ। मैं क्यों जाऊं? मेरी कोई गलती नहीं है। अरे प्लीज तुम बात को समझो। गलती तुम्हारी है, मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ये जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। हेलो पुलिस।
मैं हूं इंस्पेक्टर जाला, मुझे यहां से किसी ने कॉल किया था। जी सर, मैंने ही कॉल किया था। अच्छा, अरे आपके सर से तो खून बह रहा है, किसने मारा आपको? एक काम कीजिए, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए और बताइए। जी सर। मैडम। जी सर। आप इन लेडी का बयान लीजिए, तब तक मैं इनसे पूछताछ करता हूं। ओके सर। परमार। जी सर। आप स्टेटमेंट लिखिए। ओके सर। आप जरा यहां आइए। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और क्यों मारा उसको? मैं राज, और मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। सच ही बताना, बताओ। दीपक की पत्नी मोना और मेरे नाजायज संबंध थे, और ये जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। आप चाहो तो मोना से पूछ सकते हो। अच्छा, किसी दूसरे की बीवी के साथ संबंध बनाते हुए शर्म नहीं आई है? ये क्राइम है सर, प्लीज मारो मत। ये जो कुछ भी हुआ था मैंने आपको सब सच बता दिया, और ये जो कुछ हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। और सर वैसे भी ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाएगा ये रजामंडी, ये ताली। परमार, लिख लिया? हाँ सर। ले जाओ इसे। मैडम, आपने इनका स्टेटमेंट ले लिया? जी सर। अरे दीपक, आप आ गए, कैसा है अभी? सर अभी ठीक हूँ। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? सर, मैंने मेरी वाइफ मोना को बहुत चाहा था, उसकी हर ख्वाहिश हर तमन्ना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, बहुत प्यार करता था मैं इसे, लेकिन इसने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया इसे। अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज दीपक, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे प्यार को मैं तुम्हारी कमजोरी समझ बैठी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, एक बार तो भगवान भी माफ कर देता है। लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, और मुझे तुम्हारी ये सूरत भी नहीं देखनी। खैर, शिकायत तो अपनों से की जाती है, गैरों से नहीं। अब हम साथ नहीं रह सकते। प्लीज दीपक, इतने कठोर मत बनो, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। ये सब करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था, अब तो तुम आजाद हो, जो चाहे कर सकती हो, जो मर्जी कर सकती हो। हमारी मुलाकात अब सीधे कोर्ट में होगी, इंस्पेक्टर साहब ने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है। मैडम, इन्हें लेके जाइए। जी सर। नमस्ते दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ऐसे नाजायज रिश्तों का अक्सर यही हाल होता है। क्यों क्यों लोग खुद होकर अपनी बनी बनाई गृहस्थी में आग लगाते हैं? क्या मिलता है ऐसे लोगों को? किसी की सच्ची भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो अंजाम यही होना था। अपने रिश्तों को संभल कर रखिए, इसमें कहीं भी दाग ना लगने दे, क्योंकि रिश्ते बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन बिगाड़ने के लिए एक पल ही काफी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।